दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज चौधरी और आज की हम बात करेंगे स्पाइस मनी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी स्पाइस मनी के अधिकारी हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। दोस्तों गुड न्यूज यह है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से स्पाइस मनी में जो एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग सर्विस था वो बंद चल रहा था, तो आप अकाउंट ओपनिंग नहीं कर पा रहे थे। अभी हाल फिलहाल में अपडेट आ चुका है कि आप स्पाइस मनी में एक्सिस बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग सर्विस है वो चालू हो चुका, आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी जो चालू हुआ वो केवल करंट अकाउंट ही चालू हुआ है, सेविंग्स अकाउंट अभी चालू नहीं हुआ है। सेविंग्स अकाउंट के लिए आपको 4 से 5 दिन वेट करना पड़ेगा। और जिन भाइयों के पोर्टल में अभी तक अकाउंट ओपनिंग का सर्विस नहीं आया है तो इसके लिए उनको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट से कॉन्टेक्ट करके फिजिकल वेरिफिकेशन करा ले। और जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, यदि उनके में अकाउंट ओपनिंग का सर्विस नहीं आया है तो वो अपनी सभी सर्विसेज को यूज करें, कंटिन्यू काम करें, उनके पोर्टल में अकाउंट ओपनिंग का सर्विस जल्दी आ जाएगा। दूसरी मैं बताना चाहूंगा, जिनका अभी तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और वो भले ही अकाउंट ओपनिंग नहीं करना चाहते, तब भी उनको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आगे चल के आपकी जितनी भी सर्विस है सारी की सारी बाधित हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द अपने डिस्ट्रो से कॉन्टेक्ट करके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा ले। यदि आपको अपने डिस्ट्रो का नंबर नहीं पता है और आपको अपने डिस्ट्रो का नंबर निकालना है तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो से मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और देखकर अपने डिस्ट्रो से कॉन्टेक्ट करके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ताकि आपकी सर्विसेज जो सही तरीके से सुचारू से चालू रहे। तो बस आपको एक छोटा सा जानकारी शेयर करना था। अभी हाल फिलहाल में जो चालू है वो एक्सिस बैंक का केवल करंट अकाउंट ही चालू हुआ है। करंट अकाउंट की बात करें तो आप अपने ग्राहक का भी करंट अकाउंट खोल सकते हैं, 0 बैलेंस से फ्री TDS करंट अकाउंट, साथ में अपना भी यहाँ पर फ्री TDS करंट अकाउंट खोल सकते हैं 500 फंडिंग के साथ। बस आपको एक छोटा सा जानकारी शेयर करना था। वीडियो अच्छा था, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको जानकारी लग सके। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।